22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। कांग्रेस सांसद से सुपौल लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की उम्मीदवार रंजिता रंजन ने आज राघोपुर प्रखंड के 2 दर्जन गांवों एवं पंचायतों में जाकर दर्जन भर जनसभाएं की और महागठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने जनता से सुपौल की आवाज को संसद में बरकरार रखने के लिए एक एक वोट महागठबंधन के पक्ष में देने की अपील की। वहीं चुनावी सभाओं में रंजिता रंजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसी और कहा कि इस बार सुनामी नहीं है, इसलिए नोटबंदी करने वालों को वोटबंदी कर देगी सुपौल की जनता। संसद ने कहा कि नोटबंदी में मोदी सरकार ने अपने ही पैसों के लिए लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। नतीजा यह निकला कि 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, युवाओं को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। 2014 में 2 करोड़ रोजगार की बात कह लोगों को धोखा दिया। जब रोजगार की बारी आई तो कहा पकौड़े बनाओ, काम कोई भी बुरा नहीं होता है, लेकिन कोई गरीब आदमी अपने बच्चों को मेहनत की कमाई से इंजीनियर बनाता है? नरेंद्र मोदी ऐसे नौजवानों को कह रहे हैं पकोड़े बेचने के लिए। क्या गरीब के बच्चों को अच्छी नौकरी की जरूरत नहीं है? क्या गरीबों के सपने सच नहीं होने चाहिए? मोदी सरकार को यह बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुद को वो चाय बेचने वाला का बेटा कहते हैं तो उन्हें जान लेना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने ही एक चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, लेकिन उनकी सरकार अब गरीबों को आगे बढ़ने का मौका भी नहीं देना चाहती है। रंजिता रंजन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहले पर दहला बताया। कहा कि भाजपा के साथ जाकर नीतीश कुमार की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें न निगलने बनता है और न उगलने बनता है। कहते हैं सुशासन का राज और जमीन पर अपराधी ही इस राज में मस्त हैं। सांसद ने कहा कि दोनों सरकारों ने कांग्रेस द्वारा चलाई गई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, खाद योजना जैसी कई जन कल्याणकारी योजनाओं में कटौती कर गरीब जनता को उनके हाल पर छोड़ने का काम किया है, इसलिए उनके हक अधिकार और बिहार को मजबूत करने के लिए 23 अप्रैल को हाथ छाप पर मतदान कीजिए। साल 2014 की सुनामी में भी सुपौल की जनता जुमलेबाजों की लहर पर ठंडा कर दी थी, उसी तरह इस बार भी सुपौल की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। सिटी पोस्ट लाइव के लिए जेपी चंद्रा की रिपोर्ट।